पूरी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक पावन नगरी है। प्रारंभ से ही सप्तपुरियों में से एक हमारी जगन्नाथपुरी है और भगवान आदि शंकराचार्य ने भी जो चार पीठ स्थापित किए हैं उनमें से पुरी एक है। पुरी के बगैर भारत की सनातन परंपरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं तो मां भगवती के श्री चरणों में ही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपको भी हम सबको भी इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहाँ के फॉरेस्ट माफिया, यहाँ के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहाँ पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। बहनों भाइयों, आज आपने देखा होगा जब सरकार बीजेपी की बनती है और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता है तो फिर आपको लगता होगा कैसे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आज आपको देश के अंदर देखने को मिलना होगा, लैंड के देश के ऊपर आज आपको देखने को मिलता होगा। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो कहीं पे पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है कि साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है, ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक खुशहाल जीवन के ओर अग्रसर किया है।